पे और किसी वजह से। बहुत अच्छा लगा, हम लोग लगातार मेहनत करके ये जीत हासिल हम लोग किया है, बहुत अच्छा लगा हम लोग का। रस्सा कस्सी प्रतियोगिता में आज मैं पहुंचा हूं हिरनई ग्राम सभा, जिला कुशीनगर के हिरनई ग्राम सभा में, और यहां पे पूर्व जिला पंचायत शिव कुमार कुशवाहा के ये टीम है। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे ये इन लोगों का तैयारी कैसे होता है और कैसे ये लोग इस खेल को खेलते हैं। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करने का प्रयास, क्या नाम है आपका? मैं शिव कुमार कुशवाहा, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, और कबड्डी से मैं राज्य स्तर तक कबड्डी खेला हूँ। और हमारे साथ धनेश्वर यादव जो कि वर्तमान में बिहार के जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। हमारे साथ जितने वॉलंटियर हैं, पवन पहलवान जी हैं जो अभी तक प्रदेश स्तर तक कुश्ती लड़ चुके हैं, और अनिल यादव जी हैं, और तमाम हमारे रहीम अंसारी जी हैं, तमाम मेरे साथी जो कि लगातार ये पहलवानी और दौड़ रस्साकसी में और दौड़ में ये अपना अहम भूमिका निभाते हैं, लगातार तैयारी करते हैं और लगातार यहाँ इतिहास कायम की हुई है हमारी टीम। ये इतिहास लगभग जितने सालों से यहाँ मैच हो रहा है और फाइनल मुकाबला खेल के गई है, ये 7-8 साल से हो रहा है, 8 साल में फाइनल मुकाबला खेली है हमारी टीम, हर बार फाइनल जीत के गई है। अच्छा। और मेरा पूर्ण विश्वास है इस बार भी फाइनल जीतेगी मेरी टीम। अच्छा, कितने राउंड का होता है ये मैच? 3 राउंड का होता है और 5 राउंड का होता है, तो ये सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला ये 5 राउंड का हो रहा है। कितने प्लेयर का होता है ये? 9 प्लेयर का होता है, 9 प्लेयर, और 7 प्लेयर खेलते हैं और 2 प्लेयर एक्स्ट्रा रहते हैं जो समय के अनुसार उसको अदल बदल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं सबका नाम हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। पवन यादव। पहलवान सन्नी यादव। कुंदन यादव। हरिकेश कुमार गौतम। उपेंद्र यादव। रही अंसारी। प्रमोद यादव। अभिषेक यादव। बब्लू यादव। धनेश्वर यादव। फुलमानंद सर। रोटी पहलवान। आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि हर साल के भांति ये इस साल भी यहाँ पे जो प्रतियोगिता हो रहा है और हमेशा ये लोग जीतते हैं, इस बार देखना है सेमीफाइनल में क्या ये जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। लास्ट तक आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा ये कैसे जो खेल होता है, सारी खेल की वीडियो आपको दिखाऊंगा, और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें देखना है कौन सा टीम इसमें जीत सकता है, कौन हार सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं वहाँ भी प्लेयर कुछ मौजूद है, उधर भी दिखा दीजिए, उधर भी प्लेयर मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। अब लास्ट में देखना ये होगा कौन सा टीम जीतता है। बंद रहिए हमारे वीडियो में तब तक। भैया
आप देख सकते हैं सुगौली का टीम कहीं ना कहीं जीत चुका है। मैंने पहले भी वीडियो दिखाया था इन लोगों का और इसमें भी दिखा रहा हूँ, सुगौली और हिरनही के बीच में ये मैच चल रहा था जिसमें सुगौली की टीम कहीं ना कहीं जीत चुकी है। और यहाँ पे किस तरीके से लोग खुशियाँ मना रहे हैं, कैसा लग रहा आप लोग जीत हासिल किया, कैसा लग रहा आप लोग जीत हासिल किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप लगातार? ये ट्रेनिंग में ये सब लोग आर्मी की दौड़ लगाते थे तो किसी कारणवश कोई मेडिकल में किसी तरह से नहीं हो पाए, लेकिन वो जोश जज्बा इनके अंदर सब में बरकरार है कि जो आज ये जो आप ऐतिहासिक इन लोगों का देखे, जो जान देख रहे हैं शरीर में, ये पहले से बना हुआ है। हाँ, पहले से बना हुआ है। ये लगातार आर्मी की दौड़ लगाने वाले इसमें बच्चे जैसे भीम यादव है, ये लगातार दौड़ लगाए, 4-5 बार आर्मी का दौड़ निकाले, मैं भी दौड़ लगाता था और ये आर्मी की दौड़ लगाते थे, ये लगाते थे, रहीम भाई लगाते थे, लगातार इन लोगों ने दौड़ लगा के ऐसा जान बनाया है कि मैं पहले ही बोल चुका था कि फाइनल यही टीम जीत के जाएगी। और ये 8 बार लगभग, ये 8वां बार है, ये रस्साकशी प्रतियोगिता का 8वां बार है, 8वें बार में ये फाइनल मुकाबले में फाइनल जीती हुई है ये टीम। अगर इतिहास में जब जब मुकाबला होगा तो ये कांटे का टक्कर देने का काम करेगी मेरी टीम। चलिए इन लोगों से भी जान लेते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे दर्शक जो आए थे देखने के लिए, उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करें, कैसा लगा आप लोगों को खेल देखने के बाद? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आगे जाएगी टीम। बहुत अच्छा लगा, हम लोग लगातार मेहनत करके ये जीत हासिल हम लोग किया है, बहुत अच्छा लगा हम लोग का। और किसी ये वो जवान है जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, किसी कारण से इन लोग की नौकरी नहीं लग पाई थी, लेकिन ये लोग अपनी कहीं ना कहीं जज्बा बरकरार रखे हैं। कुश्ती हुआ या रस्साकशी का जो खेल होता है या कबड्डी हुआ, जिस भी प्रतियोगिता होता है, उन सारे प्रतियोगिता में ये युवा कहीं ना कहीं भाग लेते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बन रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।